डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैटर्न बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पहले एक हार्ड पेपर लिया जिसकी लेंथ जो है वो 2 इंचेस है और उसकी विड्थ जो है वो 1.5 इंचेस है। अब हम इस पेपर को सेंटर से फोल्ड कर लेते हैं और इसके ऊपर एक जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड से भी हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम एक लीफ जो है वो ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक लीफ का पैटर्न बन गया। अब मैंने एक पेपर लिया है जिसकी विड्थ जो है वो 4 इंचेस है और 1/2 इंच पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जिसके ऊपर मैं ये पैटर्न ड्रॉ करूँगी। अब वन बाय वन हम इसको इस लीफ को ड्रॉ करते जाएंगे। पेपर की जो लेंथ है वो मैंने अपनी शर्ट के फ्रंट एंड बैक के अकॉर्डिंग ली है, आप अपनी शर्ट के विड्थ के अकॉर्डिंग लेंगे। मैंने ए लाइन शर्ट बनाई है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग 46 इंचेस फ्रंट एंड बैक पे डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिया। अब हम इस पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। ये डिज़ाइन बन के बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सॉलिड कपड़ों पे बनाएं या प्रिंटेड कपड़ों पे भी इवन बनाएं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे हम ये सारे ड्रॉ कर लेंगे साथ साथ जोड़कर। अब हमने एक दफ़ा ये सारे लीव्स को ड्रॉ कर लेना है। अब हमने इन दो लीव्स के सेंटर में रखकर दोबारा से इस लीव का पैटर्न ड्रॉ करना है। दोनों लीव्स के बीच में रख के फिर से ऐसे हमने सारा जो है इसको भी ड्रॉ कर लेना है। ये सेकंड टाइम ये सारा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। ऐसे हमने ये सारा पैटर्न ड्रॉ कर लिया। अब हमने ये डोरी बनाई है फैब्रिक की। आप चाहें तो मार्केट से जो डोरी मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ये फैब्रिक की डोरी ख़ुद बनाई है और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। अब हमने इस डोरी को इसके ऊपर ऐसे रख के स्टिच करना है, बिल्कुल इस पैटर्न के ऊपर रख के। शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन एक दो लीव्स के ऊपर स्टिच करने के बाद आप यूज्ड हो जाओगे और फिर बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। देखने में ये डिज़ाइन बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। ऐसे हम ये सारे ऐसे यहाँ से जो है राउंड घुमा के एक हमने लूप सा बना लेना है, ठीक है। यहाँ से इसकी फिर फिनिशिंग हो जाएगी इसके ऊपर। अब इसको टर्न करना है और फिर इसके ऊपर स्टिच करना है। जहाँ से ये राउंड आ जाए वहाँ से थोड़ा सा आपको वो उठा के पाँव को फिर से उसको टर्न करके फिर से उसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। ऐसे इसको डोरी को यहाँ से कट कर देंगे। अब इसी तरह दोबारा से डिज़ाइन, जो लाइन है इसके ऊपर बाद में हमने स्टिचिंग कर देनी है, तो ये यहाँ से जो है वो उसकी फिनिशिंग हो जाएगी। अब इसको दोबारा इसके साथ रख के ऐसे गोल घुमाकर इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। और फिर इसको यहाँ से गोल घुमाना है और इसके ऊपर से
सिलाई लगा के फिर से हमने इसको टर्न किया और हम यहाँ से डोरी को कट कर देंगे। अब इसी तरह बाकी भी जो है हम जल्दी जल्दी इसके ऊपर एक रो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट पैटर्न जो है अपना। अभी हमने सारा एक दफ़ा सारी डोरी स्टिच कर ली है एक पैटर्न पे। अब जो हमने सेकंड पैटर्न इसके ऊपर ड्रॉ किया है, अब हम उसके ऊपर डोरी स्टिच करेंगे। अब उसी तरह जैसा हमने पहले फर्स्ट पैटर्न में लगाया था, अब सेकंड पैटर्न के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह डोरी घुमा के स्टिच करेंगे। इसको यहाँ से राउंड घुमाएंगे और फिर इसको स्टिच करेंगे। अब इसको कट कर देंगे। एक्स्ट्रा धागों को साथ साथ हम कट करते जाएंगे ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे हम सारे पैटर्न्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमने पूरा पैटर्न जो है वो बना लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। इसके ऊपर मैंने जो है पहले इसको उल्टा रखा है, इसकी ऊपर को डायरेक्शन है, पेपर को उल्टा रखा है। इसके ऊपर मैंने 1.5 इंचेस का एक कपड़ा लिया है, कटिंग की है, और इसको ऊपर रख के स्टिच करेंगे। बेसिकली ये कपड़ा जो है ये हम अंदर को फोल्ड कर देंगे, तो ऐसे इसके ऊपर रख के हम इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसे ये हमने सारी स्टिचिंग कर ली है। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो बिल्कुल उस लाइन के ऊपर लगे, ताकि आपकी जो है वो फिनिशिंग बहुत अच्छी हो। अब हम जो है इस पेपर को रिमूव कर देंगे। थोड़ा सा पेपर रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इजीली हो भी जाएगा। इतना टाइम थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन है ईजी। ऐसे हम ये सारा पेपर रिमूव कर देंगे। अब जो है वो जो हमने कपड़ा था उसको हम अंदर को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर स्टिच कर देंगे। ऐसे हम ये सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। इससे जो आपका डिज़ाइन है ये इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल बैक साइड से भी नीट एंड क्लीन होगा और फ्रंट साइड से। अब हमने ये स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और ये हमारा जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल रेडी है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।